सो गाइज, आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ना, इसमें 99% चांस है आपको मेल जरूर आएगा। अगर जो भी मैंने यहाँ पे स्टेप फॉलो किया है, आप भी अगर वही स्टेप फॉलो करोगे तो 99% चांस है कि आपको भी ये मेल आएगा। जैसे कि आप देख रहे होगे, ये मेल मुझे आ चुका है। टेस्ट मेल है, फ्रेश प्रिंट की तरफ से अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी और कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप है, यानी कि घर बैठे आपको यहाँ पे वर्क करना है। और जो सैलरी है वो भी आपको यहाँ पे डॉलर में मिलने वाली है, तो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और लाइव टेस्ट मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाया हुआ है, लाइव टेस्ट आप देख सकते हो कि मैंने पूरा टेस्ट अटेंड किया हुआ है। आपको भी ये टेस्ट मेल जरूर आएगा अगर आप ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। एंड अगर आपने अभी तक इन अपॉर्चुनिटी में अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लेना, लिंक अभी भी ओपन है, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जॉब अपडेट। सो जो आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द फ्रेश प्रिंट। सो फ्रेश प्रिंट की तरफ से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकली हुई है, कैंपस रिक्रूटमेंट इंटर्न के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। और जो सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है और डॉलर्स में मिलने वाली है, वो है आपका $200 पर मंथ। अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे सो इट विल बी अराउंड 16,000। 16,000 आपको यहाँ पे स्टाइपन मिल रहा है घर बैठे बैठे। और ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो आपको यहाँ पे फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, जिसमें आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है अराउंड $600 पर मंथ। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे इट विल बी अबाउट 50,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 50,000 रुपीज आप इजिली अर्न कर सकते हो भी घर बैठे बैठे। अगर आपने यहाँ पे इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म किया तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो है परमानेंट एम्प्लॉय का यहाँ पे रोल मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको $600 यहाँ पे आपको मिलेंगे मंथली। ठीक है, उसके अलावा अलग बेनिफिट्स अलग मिलेंगे, अगर नाइट शिफ्ट रहता है तो उसके बेनिफिट्स अलग मिलेंगे यहाँ पे आपको। ओके, सो जॉब लोकेशन यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है, और जो यहाँ पे ऑफिस लोकेशन रहेगी वो हैदराबाद रहेगी, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा इंडिया का वो रहेगा आपका हैदराबाद ऑफिस से। ओके, सो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो 12th पास, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सो किसी भी डिग्री से किसी भी स्ट्रीम से आपने करी हुई हो तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। बस यहाँ पे कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। द फर्स्ट वन इज यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है। ओके, इसके अलावा यू शुड बी अ सेल्फ मोटिवेटर, एंड अगर आपको लिंक्डइन सोर्सिंग में थोड़ा बहुत नॉलेज है या एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए प्लस रहने वाला है। ओके, प्लस यहाँ पे अगर आपको सेल्स में भी एक्सपीरियंस है तो आपके लिए यहाँ पे ये भी प्लस रहने वाला है। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, जैसे कि टेस्ट बुक हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो है सेल्स की आप यहाँ पे जो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज है उनको आप अटेंड कर सकते हो। वहाँ पे से आप बहुत सारी यहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकते हो, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो, और वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज से आप यहाँ पे इजिली यहाँ पे जो भी नॉन टेक जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं उसमें वो काम आ सकती हैं। तो आप जो छोटी छोटी जॉब्स रहती हैं उनको आप इग्नोर मत करना, क्योंकि वो एज अ पार्ट टाइम आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप फ्री टाइम पे उनको कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना पॉकेट मनी भी जनरेट कर सकते हो। सो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी ना फुल टाइम, उसमें आपका वो पार्ट टाइम वाला जो अपॉर्चुनिटीज रहेंगी उसका यहाँ पे आप एक्सपीरियंस लिख सकते हो, आप अपने रिज्यूमे में वो चीज़ ऐड कर सकते हो, वो आपके रिज्यूमे को वेटेज देगा, प्लस जो भी क्राउड है उससे आपका रिज्यूमे थोड़ा स्टैंड आउट होगा। तो हमेशा याद रखना कि छोटी छोटी जो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जिनका कंपनी का नाम आपने सुना भी नहीं होगा उसमें भी जरूर अप्लाई करना है। डिफरेंस के लिए आप गूगल में चेक कर सकते हो कि यार जेन्युइन है कि नहीं है, और हमारी वेबसाइट पे तो जो भी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो तो जेन्युइन रहती ही रहती हैं, आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो गूगल पे। ठीक है, और जो रिस्पॉन्स रहता है ना कंपनी का वो डिपेंड करता है आपके रेज्यूम पे। तो हमेशा याद रखना जब भी आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करो तो अपना रेज्यूम जरूर अपडेट करना, तब जाके ही कंपनी में अप्लाई करना, ताकि जो है आपको कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ मेल तो जरूर आए। ओके, सो बैक टू टुडे जॉब अपॉर्चुनिटी। ओके, सो अब देख लेते हैं यार इसमें आपका वर्क क्या रहेगा अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली यू विल बी वर्किंग एज अ कंडक्ट रिसर्च एंड द सोर्स लीड्स ऑन दी लिंक्डइन, यानी कि आप रिसर्च वगैरह करोगे और जो सोर्स होगा ना, यानी कि लीड वगैरह आप जनरेट करोगे कंपनी के लिए लिंक्डइन के थ्रू। ठीक है, तो बेसिक सा वर्क है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है इजिली अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही क्लिक करोगे लिंक पे यू विल बी डायरेक्टेड टू दी jobforfreshers.co.in वेबसाइट, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप इसको इजीली रीड आउट कर लेना। एंड हियर व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यहाँ पे आपको दिख जाएगा हाउ टू अप्लाई फॉर फ्रेश प्रिंट 2024, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाई लिंक, जस्ट क्लिक ऑन क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। उसके अलावा अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यार ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम आप लोग के लिए बहुत सारी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आते रहते हैं, तो जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सो जस्ट क्लिक ऑन क्लिक हियर टू अप्लाई। ओके, सो यू विल बी डायरेक्टेड टू द ऑफिशियल पेज, एंड प्लीज नोट दैट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लेना यार, क्योंकि एप्लीकेशन कभी भी क्लोज हो सकती है। एक बार इनको सफिशियंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मिल गए तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लेना। आपको अप्लाई पे क्लिक कर लेना है तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा, बहुत ही इजी एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको यहाँ पे अपना नेम फिल कर लेना है, लास्ट नेम फिल कर लेना है, मेल आईडी फिल कर लेनी है, यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर फिल कर लेना है, एंड यहाँ पे आपको अपना रेज्यूम अपलोड कर लेना है। एंड मेक श्योर जो रेज्यूम का फॉर्मेट होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में ही आप शेयर करें। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट कर लेना है,
एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट है कि कैन यू लेट अस नो व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव और व्हाई यू थिंक यू आर गुड फिट फॉर दिस रोल। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसमें चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो और यू गैस कैन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट दिस। ठीक है, अब सबके सब ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत कर लेना, चैट जीपीटी में जाना और डायरेक्टली ठीक है ये क्वेश्चन लिखना चैट जीपीटी में। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे मैंने इसको यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया है और आंसर दिस बोल लिया है, तो यहाँ पे सारा चीज़ें आपको दे दी गई। सो चैट जीपीटी ने आपको सारा यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, लेकिन आपको ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना होगा और ह्यूमन टच देना होगा। जब ये शॉर्ट हो जाए तो आपको यहाँ पे से कॉपी करके आपको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। एंड मेक श्योर सबके सब एक जैसा कॉपी मत करना। आप इस आंसर की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप चैट जीपीटी में जाके अपना खुद का आंसर क्रिएट कर सकते हो और उसको थोड़ा बहुत ह्यूमन टच दे देना, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेना, उसमें मॉडिफिकेशन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू कम्फर्टेबल विद स्टाइपन, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, आर यू कम्फर्टेबल विद वर्किंग आवर्स, तो यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, वर्किंग आवर मैंने बताया था मंडे टू फ्राइडे रहने वाले, आपका 2 दिन आपका ऑफ रहेगा सैटरडे संडे, और यहाँ पे नाइट शिफ्ट रहने वाली है 7:30 से 4:30 AM तक। एक बार सारी चीज़ें फिल करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लेना है कि जो भी आपने यहाँ पे फिल करा है वो करेक्ट है कि नहीं है, एक बार जरूर चेक करना। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके सबमिट कर देना। और अगर आपने जो भी मैंने बताया यहाँ पे अगर वही आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली 100% है कि आप कंपनी की तरफ से असिस्टमेंट मेल आ जाएगा। ओके, सो एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा तो आपको कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपने एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर फ्रेश प्रिंट, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर दी कैंपस रिक्रूटर इंटर्न रोल फॉर दी फ्रेश प्रिंट। सो दे हैव ऑल्सो मेंशन दैट वी विल रीच आउट टू यू नेक्स्ट स्टेप इफ यू फील दैट यू आर गुड फिट फॉर दिस रोल। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको फिल कर लेना है। सो 99% चांस है कि आपको असिस्टमेंट मेल आ जाएगा। जैसे कि मुझे 3 मेल आ चुके हैं, पहला कि जो कंफर्मेशन मेल था वो आ चुका है, दूसरा है कि आपको जो है असिस्टमेंट मेल आ गया। सो इस मेल में मुझे सारी डिटेल्स दी गई हैं कि आपका क्या क्या होने वाला है। पहले आपका असिस्टमेंट, तो असिस्टमेंट में बेसिक से एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके बाद एक आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करनी होगी जो कि 3 मिनट की करनी होगी। आपको अपने उसमें सारा चीज़ डिटेल करना होगा कि अबाउट यूर बैकग्राउंड, व्हाट रियली इंटरेस्ट यू, व्हाई यू थिंक यू आर गुड फिट फॉर दिस रोल। ठीक है, तो सारा चीज़ पहले चैट जीपीटी में डाल के अपना एक इंट्रो बना लेना, उसके बाद वो चीज़ें आप डायरेक्टली रिकॉर्डेड वीडियो क्रिएट कर सकते हो 3 मिनट की। ठीक है, रिकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो, अपना फ़ोन उठा के उससे रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हो। गूगल ड्राइव में जब अपलोड करोगे, जब भी आप शेयर करो तो मेक श्योर जो शेयर लिंक होना चाहिए वो पब्लिक लिंक होना चाहिए। ओके, एंड जो डेडलाइन रहने वाली इस पर्टिकुलर असिसमेंट की, दैट इज नेक्स्ट 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर ही मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे असिसमेंट कंप्लीट करने के। तो जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो 2 दिन में क्लोज हो जाएगी। ओके, चलिए असिसमेंट एक बार देख लेते हैं कि असिसमेंट में कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो असिसमेंट मेल पे आपको ऐसा मेल दिखेगा, यहाँ पे असिसमेंट इन्विटेशन स्टार्ट असिसमेंट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन आएगा, तो यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लेनी है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे ओवरव्यू देख सकते हो कि आपके कितने मिनट्स के कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहला सेक्शन होगा एप्टीट्यूड असेसमेंट जो कि 15 मिनट्स का रहेगा, दूसरा सेक्शन भी एप्टीट्यूड असेसमेंट रहेगा जो कि 5 मिनट का रहने वाला है, और तीसरा सेक्शन है वीडियो रिकॉर्डिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन जो कि 5 मिनट का रहने वाला है। ठीक है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है सेल्फ वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो आपको देनी होगी। इस असेसमेंट को देने से पहले आपको सारी चीज़ तैयार रख लेना। मैं आपको एप्टीट्यूड दिखा देता हूँ कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड मेक श्योर आप यहाँ पे चीटिंग नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे विंडो पे जाके जो है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल वगैरह यूज़ कर सकते हो तो यूज़ कर लेना। ओके, यहाँ पे आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो सारे अटेम्प्ट आपको करने हैं यहाँ पे, सारे क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है एंड यू विल गेट अ 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट मिलने वाले हैं आपको टू कंप्लीट दिस असेसमेंट। टोटल 50 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं एंड यू आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, विंडो भी स्विच नहीं कर सकते जैसे कि मैंने बताया। तो मेक श्योर कि अगर आप विंडो स्विच करने की कोशिश करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इस टेस्ट के लिए। तो बिगिन टेस्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। सो पहला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सफल हो सकते हैं, आपके लिए पहला क्वेश्चन ये नहीं हो सकता है, आपके लिए दूसरा हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक रैंडमली फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू, फटाफट दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके, सो फास्ट फॉरवर्ड होगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। आंसर्स जो मैं दे रहा हूँ वो सही नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट रैंडमली क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप आंसर्स खुद फाइंड कर सको। स्क्रीनशॉट्स ले लेना या पॉज कर लेना वीडियो, उसके हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पे बताऊँगा तो।
ठीक है, तो मैं ऐसे ही रैंडम आंसर आपके लिए क्वेश्चंस, ठीक है, पॉज करके आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो और उनके आंसर्स दे सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली है कि आपके लिए भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएं। ठीक है, फिर कह रहा हूँ कि जो आंसर्स मैं दे रहा हूँ यहाँ पे वो करेक्ट नहीं है, मैं जस्ट अब रैंडम आंसर्स दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो असेसमेंट देने में। अपने हिसाब से पॉज कर लेना इसको, वीडियो को। तो फटाफट आंसर्स दे देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चंस 37 हो चुके हैं, फटाफट आंसर सबमिट कर लेते हैं। आप पॉज करके देख सकते हो वीडियोस को फटाफट एक बार आप लोगों के लिए, क्योंकि 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और टाइम सिर्फ 50 मिनट है, तो जितना जल्दी होगा आपके लिए उतना जल्दी आप यहाँ पे कर लेना। यू कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट, ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब दूसरा पार्ट आएगा नेक्स्ट लेवल। दूसरा पार्ट है एप्टीट्यूड असेसमेंट जो कि 5 मिनट का रहने वाला है, वो भी कंटिन्यू कर लेते हैं। सो पहला टास्क फॉर्मेट में रोबोट इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर है। फॉर दिस टास्क यू विल बी प्रेजेंट विद द टू रोबोट्स। इफ योर रोबोट्स आर डिफरेंट क्लिक डिफरेंट, इफ यू आर रोबोट ओके। ठीक है, बेसिक्स है यहाँ पे, आपको बताना है कि भाई रोबोट डिफरेंट है कि सही है। तो अगर सेम है तो आपको सेम में क्लिक कर लेना है। ओके, डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट चेक कर लेना, डिफरेंट है कि सेम है। भाई सेम ही लग रहा है, सेम ही लग रहा है, डिफरेंट है, सेम है, सेम डिफरेंट सेम है, सेम ही लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट ओ डिफरेंट। बहुत कम टाइम मिल रहा है इसमें, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी ख़त्म करोगे। डिफरेंट बहुत छोटे छोटे हैं भाई इसमें, तो पता ही नहीं चल रहा है डिफरेंट है कि सेम है। बहुत कम टाइम मिल रहा है इसमें, तो जितना जल्दी होगा ख़त्म उतने जल्दी। ओके, सेम ही लग रहा है, डिफरेंट क्या है इसमें, सेम है, सेम ही लग रहा है, ये डिफरेंट है, सेम है। अब इसमें क्या है, दिक्कत है, सेम ही लग रहा है। अच्छा, ये भी सेम है। बहुत माइनर से चीज़ें हैं, पॉज करके एक बार देख लेना कि भाई कौन से सेम है कौन से डिफरेंट है। मे बी आप लोगों के लिए दूसरे क्वेश्चंस आए। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको पता करना है डिज़ायर और विश, ठीक है, अपोजिट वर्ड है ये सेम है कि नहीं है आपको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो फटाफट इसको भी कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई, मैं फटाफट आपको दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज करके देख लेना इनको। ठीक है, मैं एक बार सारे चीज़ें एक बार वो कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख लेना, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। 30 मिनट से ऊपर हो जाएगी वरना वीडियो। और यहाँ पे ठीक है, मैं सब सिमिलर सिमिलर कर दे रहा हूँ, ये आंसर गलत है। मेक श्योर कि आप अपना ही आंसर लिखें इसमें। मैं फटाफट हर सेकंड का 1 मिनट आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्टिफाई एक्सप्लेन डिजायर विश एक्सप्लेन कंप्लेन। ओके, तो इंग्लिश का आना ज़रूरी है इस पर्टिकुलर जॉब में। ओके, अब उसके बाद है आपका मैथमेटिक्स आ गई है, अब आपको थोड़ा मैथमेटिक्स आना चाहिए भाई इसके लिए। आपको दिखा देता हूँ, आप अपने हिसाब से इनके सही आंसर है कि नहीं है आपको फिल कर लेना है। ठीक है, वीडियो तो कई लेंदी होने वाली है। ठीक है, अगर आपको सारे चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो भाई लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस के लिए आपके लिए आते रहेंगी।
ठीक है, दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट है आपका वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी है आपको, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे सारा चीज़ें डिटेल्स आपके सामने लिखा गया है। अगर गूगल ड्राइव से अपलोड करोगे तो यहाँ पे दिया गया कि आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, अपलोड वीडियो, शेयर, चेंज, ठीक है, यहाँ पे आप सब चीज़ कर लेना है। यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करनी है अपनी रिकॉर्डिंग, ठीक है। गूगल ड्राइव में शेयर करोगे तो मेक श्योर उसका जो लिंक होना चाहिए वो पब्लिक लिंक करना, ताकि कोई भी उस वीडियोस को देख सके। सबमिट पे क्लिक करके सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट हो चुका है असेसमेंट, एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो रोक नहीं सकते, तो आपको डायरेक्टली सबमिट ही करना होगा। 24 आवर्स का आपको टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है, तो जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी आप इस पर्टिकुलर असेसमेंट को दे देना। ओके, सो एप्लीकेशन फॉर्म काफी सिंपल सा है और टेस्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता देना, और अगर आपको टेस्ट मेल आता है तो कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। और ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज को इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।